हेलो गाइस, दिस इज शिवकत। और गाइस, ये जो रियलमी 3 प्रो है, ये मैं करीब करीब 2-3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ और मेरे को कुछ इस डिवाइस का जो प्रॉब्लम है वो दिखा, तो वही आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहना। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम मेरे को लगा, तो ये डिवाइस जब खरीदा तो उसके बाद ही एक अपडेट आ गया था, सॉफ्टवेयर अपडेट एक आ गया था। तो उसमें हमें इंक्लूडेड था जो 960 FPS का स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर है, वो इंक्लूडेड हो गया था कैमरा में। लेकिन गाइस, अब कैमरा का जो स्लो मोशन वीडियो है वो देख सकते हैं, एकदम बहुत ही बेकार क्वालिटी का हमें स्लो मोशन फीचर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये जो 30 FPS का वीडियो स्लो मोशन करके ऐसा बना दिया है, तो बहुत ही अटक जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ऐसा ही है। तो मुझे लगता है कि मैं रियलमी से यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप देते हो फीचर 960 FPS तो ढंग से दो, मतलब ऐसे करके क्या फ़ायदा। तो यही बोलूंगा कि ये जो फीचर है ये ज़रूर ठीक करना चाहिए। बाकी मैं इस डिवाइस को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस डिवाइस को अपने पैसे से ख़रीदा, तो क्यों ख़रीदा, अच्छा डिवाइस मेरे को लगा इसीलिए ख़रीदा। लेकिन कुछ कुछ चीज़ मुझे सॉफ्टवेयर इशू लगा है, तो वो अगर सॉल्व करता है तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो यार, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम के बारे में बोलने वाला हूँ वो है इस डिवाइस का फ्रंट कैमरा। तो इस डिवाइस का फ्रंट कैमरा सैंपल्स आप देख सकते हो, ज़्यादा डिटेल्स मेरे को नहीं लग रहा है कि ज़्यादा डिटेल्स है, मतलब आप फेस में देख सकते हो एकदम स्मूथन है। तो मुझे लगता है कि ये भी ठीक करना चाहिए, लाइक थोड़ा सा डिटेल्स तो देना चाहिए, लाइक इतना भी स्मूथ करके क्या होता, मतलब अच्छा नहीं लगता मेरे को, तो अच्छा नहीं लगता। तो थर्ड प्रॉब्लम जो मैंने फेस किया वो है नॉच दिक्कत। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पबजी और बहुत सारी एप्लीकेशन में नॉच दिक्कत होता है, नॉच के अंदर बटन्स जाता है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन का गलती नहीं है, ये सॉफ्टवेयर का ही इशू है। आप पर्सनली जो सेटिंग में जाकर यह सही कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फुल स्क्रीन डिस्प्ले में जाकर आप इसे नॉच एरिया को ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफ करके क्या फ़ायदा। आप ऑन ऑफ प्ले का जो नॉच एरिया है वो देख सकते हैं, बहुत ही मतलब सॉफ्टवेयर उसका बहुत ही अच्छा है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होता है नॉच के वजह से, मतलब नॉच के नीचे कोई बटन नहीं आता है। तो मेरे को लगता है कि ये फिक्स करना चाहिए, ज़रूर फिक्स करना चाहिए। लाइक अगर आप बोलते हो नॉच ऑफ कर दो, तो ऑफ क्यों करें, हम वहाँ पर भी कंटेंट देखना चाहते हैं, लेकिन बटन्स क्यों आता है वहाँ पे। तो मेरे को लगता है कि ये भी फिक्स करना चाहिए Realme को। और यार, बाकी अगर बोले कि इस डिवाइस का हीटिंग इशू, तो बहुत सारे लोग बोल रहा था कि जो कैमरा है 4K वीडियो अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट हो जाता है, लेकिन ये जो मेरा वेरियंट है इसमें उतना भी हीट नहीं होता है। तो मैं 10 मिनट वीडियो रिकॉर्ड किया था, उसके बाद 44 डिग्री सेंटीग्रेड हीट हुआ था, लाइक 10 मिनट वीडियो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद 44 डिग्री सेंटीग्रेड हीट हुआ था इस डिवाइस के फ्रंट पैनल। रियर पैनल उतना हीट नहीं होता, फ्रंट पैनल ही हीट होता है 44 डिग्री सेंटीग्रेड, 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड। और बाकी बहुत सारे लोग मुझे बोल रहा था कि इसमें हमें वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन या फिर L3 का सर्टिफिकेशन देखने के लिए मिलता है। तो आप देख सकते हैं, वाइड वाइन L1 का ही सर्टिफिकेशन देखने के लिए मिलता है और कैमरा टू API एनेबल्ड ही है। Level 3 में टिक मार्क नहीं है, लेकिन फुल में टिक मार्क है। तो कैमरा टू API एनेबल है, आप गूगल कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यार, यही कुछ सॉफ्टवेयर बग्स मेरे को लगा कि ये फिक्स करना चाहिए, तो इसीलिए मैं आपसे शेयर किया। और गाइस, अगर आप और भी कोई इशू Realme 3 Pro में फेस कर रहे हो तो आप मुझे ज़रूर बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। तो फिलहाल के लिए इतना ही बोलूँगा। और अभी के टाइम में अगर ओवरऑल डिवाइस के बारे में बात करें, तो मुझे पर्सनली ये डिवाइस बहुत ही अच्छा लगा। पबजी भी आप मस्त खेल सकते हो और जो कैमरा है वो भी मस्त है, लेकिन फ्रंट कैमरा में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो यही था वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम अशोक, मिलता हूँ आपसे एक एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।